तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। भाई आज आपका सामने देख पा रहे हो यहाँ पे रखा हुआ है मारुति सुजुकी का जो आपका इको वैन है। ये 7 सीटर है भाई, इको वैन या नॉन एसी है। आपका सामने देख पा रहे हो इसका कुछ इस हिसाब से साइड से, मैं पहले शुरू कर रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से आपको इसका साइड से लुक देखने को मिलता है। जो अभी के समय में 2023 का ये जो महीना चल रहा है अभी, मतलब इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको 5,56,000। हमारा हुजाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरडी मोटर्स पे आपको इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा। ये 5,56,000 ऑन रोड प्राइस हमारा असम का, मैं प्राइस बता रहा हूँ भाई। आप लोग जिस भी स्टेट से देख रहे हो, आप लोग वहाँ का डीलरशिप से जानकारी ले सकते हो और ऑन रोड प्राइस क्या है आप लोग पूछ सकते हो। मैं यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो मैं स्क्रीन पे देने की कोशिश करूँगा। आप जो भी असम से जानना चाहते हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट से जानना चाहते हो या गाड़ी परचेस करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसका साइड से आपको मैंने व्यू दिखा दिया पहले, अभी डिटेल में कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रंट का लुक कुछ इस हिसाब से आपको इको का आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है। अभी के समय में इस वाला मॉडल में आपको यहाँ में फोग लैम्प वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता है, आपको फोग लैम्प का स्पेस छोड़ दिया गया है। इसमें आप लगवा सकते हो एक्सेसरीज के तौर पे, शोरूम से भी लगवा सकते हो और आफ्टर मार्केट से भी लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको साइड में कुछ इस हिसाब से इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यहाँ में आपको हेलोजन में हेडलाइट देखने को मिलता है, पार्किंग लाइट इसका साथ ही एक छोटा सा देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ में आपको एक हॉर्न बॉक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ में आपको नंबर प्लेट कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा गाड़ी का बम्पर। यहाँ में आपको बीच में प्यारा सा सुजुकी का लोगो जो देखने को मिल रहा है। ये है कुछ आपका गाड़ी का ग्रिल, ग्रिल का गैप आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। देख पा रहे हो कुछ इस हिसाब से आपको ग्रिल का शेप देखने को मिलता है। बाकी बात की जाए तो यहाँ में आपको वाटर फ्लशर दोनों देखने को मिल जाएगा दो साइड में। यहाँ पे देख पा रहे हो गाड़ी का दोनों वाइपर सामने का कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। गाड़ी आपको ग्रे कलर में कैसे लग रहा है भाई, आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हो। ग्रे कलर में ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, व्हाइट से अच्छा लगता है ग्रे कलर में देखने को। बाकी बात की जाए तो यहाँ में आपको राइट साइड में देखने को मिलता है भाई पेट्रोल टैंक, देख पा रहे हो कुछ इस हिसाब से। यहाँ में आपको फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिलेगा। साइड मिरर आपको कुछ इस हिसाब से प्लास्टिक पार्ट में ब्लैक कलर का अंदर देखने को मिलता है, जो मैन्युअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। और ये रहा कुछ आपका फ्रंट व्हील भाई, देखने को मिलता है आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और ये है आपका कुछ स्टील रिम सिल्वर कलर में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ में आपको अल्ट्रा मैक्स का आपको टायर लगा हुआ गाड़ी का साथ देखने को मिल जाएगा। और बाकी बात करें तो आपको यहाँ में R13 इंच का आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा। बाकी बात की जाए तो टायर ग्रिप की भाई देख पा रहे कुछ इस हिसाब से आपको ऑफ रोड वाला भी सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। और आप हाईवे वे भी दोनों, मतलब ये सब गाड़ी जो कमर्शियल में ज़्यादा चलता है, इसीलिए आपको टायर का ग्रिप कुछ इस हिसाब से ऑफ रोड और हाईवे दोनों का हिसाब से बनाया दिया गया है। बाकी बात की जाए तो ड्राइवर साइड डोर की आपको हैंडल कुछ इस हिसाब से ब्लैक पार्ट में देखने को मिलेगा। और यहाँ में आपको मैन्युअली जो लॉक अनलॉक करने के लिए आपको दिया गया है गाड़ी का लॉक, यहाँ में कुछ इस हिसाब से मैन्युअली आपको ये फ्यूल का जो ये भी खोलना पड़ता है चाबी से। और ये रहा कुछ आपका मिडिल का डोर का जो हैंडल आपको देखने को मिलता है कुछ इस हिसाब से भाई, ये काम करता है देख पा रहे हो। कुछ इस हिसाब से आप दरवाज़ा को खोल के पीछे धकेल दोगे तो आराम से चला जाएगा। ये रहा कुछ आपका डोर का सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया। मिडिल का ये जो पार्ट है मिरर का, ये आपका फिटेड है शायद, ये नहीं, इसमें आपको भाई अप एंड डाउन करने का सिस्टम है यहाँ से देखने को मिल रहा है, मैं दिखा पाऊंगा आपको अंदर जाने के बाद। तो ये रहा कुछ आपका जो कोई पुराना वाला वैन का जो आपका जो सिस्टम था डोर, इस हिसाब से पीछे चल के जाता है भाई, देख पा रहे हो वही सिस्टम अभी भी आपको देखने को मिलता है। यह जो आपका वैन का ये खास लुक मतलब पहचान ही ऐसा है भाई, डोर कुछ इस हिसाब से आपका खोलता है। ये रहा आपका कुछ पीछे का स्टील रिम देखने को मिलता है आपको, वही सेम 13 इंच का आपको पीछे का भी स्टील रिम देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। तो मैं चलता हूँ भाई अभी गाड़ी का पीछे, पीछे जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टायरों का आपको कुछ इस हिसाब से मिरर का लुक्स देखने को मिलेगा, शेप कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है टायरों का। और ये रहा कुछ भाई गाड़ी का साइड से व्यू, मैं आपको दिखा दिया पूरा फ्रंट का और साइड का। मैं अभी चलता हूँ पीछे, पीछे जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और बाद में डिटेल में मैं गाड़ी का अंदर का हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, सीट का कम्फर्ट वगैरह क्या कुछ है। तो ये देख पा रहे हो आपके सामने, ये है कुछ आपका इको का रियर व्यू, कुछ इस हिसाब से आपको पीछे का हिस्सा देखने को मिलता है। पीछे से आपको कुछ इस हिसाब से हिस्सा देखने को मिलेगा, हालांकि आपको इसमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी का हाइट भाई काफ़ी ज़्यादा है, मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ बंदा, मेरे से भी और 3-4 इंच ऊँचा हो रहा है ये गाड़ी का, बस इतना हाइट है। ये तो आप लोगों को मालूम है इको का हाइट कितना है। ये रहा यहाँ पे आपको कुछ इस हिसाब से स्टिकर में लिखा हुआ देखने को मिलेगा इको, हालांकि इसमें क्रोम वगैरह का एक्स्ट्रा कुछ अलग ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलता है। और ये रहा कुछ आपका सुजुकी का बीच में लोगो, ये पार्ट आपको यहाँ में ब्लैक में देखने को मिल रहा है। और ये पार्ट, ये इसको आप चाबी से लॉक अनलॉक करके इसको खोल सकते हो पीछे से।
ये रहा कुछ इसका पीछे का शेप, यहाँ में आपको पीछे का बम्पर में दूर रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है, और यह रहा कुछ आपका गाड़ी का साइलेंसर पाइप, और गाड़ी को कुछ इस हिसाब से पीछे से लुक दिया गया है। ये रहा आपको कुछ भाई टेल लैम्प, यहाँ में आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है कुछ इस हिसाब से। ये रहा आपका जो बैक गियर करने में लाइट जलता है। तो ये हो गया भाई गाड़ी का बाहर, बाहर से बातें मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की। ये साइड में मेरा भी बाइक रखा हुआ भाई, देख पा रहे हो गाड़ी छाया में मैं रख दिया, यहाँ में आपको छाव में मतलब रखने की कोशिश की, नहीं तो बाद में मैं बैठ नहीं पाऊंगा गाड़ी में। ये रहा भाई कुछ इस हिसाब से आपको बाहर से लुक देखने को मिलेगा। इको वैन का 7 सीटर का देख पा रहे हो ग्रे कलर का, अंदर मैं आपको बाहर से हर एक चीज़ दिखा दी, अभी चलूंगा अंदर में, अंदर चल के एक एक चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं भाई गाड़ी का पहले ड्राइवर का सीट पे, ड्राइवर सीट से मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा। भाई ये क्या है, अंदर तो मुझसे बैठना नहीं हो पा रहा है। ये देख पा रहे कुछ इस हिसाब से आपको यहाँ में हैंडल देखने को मिलता है डोर को, मतलब ड्राइवर सीट को आगे पीछे लेने के लिए। इतना गर्मी हो रहा है ना भाई अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है कि आग जला हुआ है। मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूंगा भाई इसमें, थोड़ा थोड़ा करके जल्दी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ में आपको कुछ इस हिसाब से पकड़ के बैठने के लिए हैंडल मिलता है डोर में, ये कुछ इस हिसाब से हैंडल मिलता है। यहाँ में आपको मैनुअली लॉक अनलॉक बटन देखने को मिलता है। यहाँ में आपको इससे दरवाजों को खोलोगे, ये रहा आपका कुछ मैनुअल विंडो अप एंड डाउन करने का। ये रहा यहाँ में आपको एसी वेंट कुछ इस हिसाब से मिलता है। यहाँ में आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ये रहा एयर बैग यहाँ में आपको मिलता है। ये रहा आपका कुछ ग्लोव बॉक्स गाड़ी में, और ये रहा कुछ आपका भाई यहाँ में मतलब हीटर का कुछ सारा कुछ कंट्रोल यहाँ में देखने को मिलता है। और ये रहा कुछ भाई देखने को मिल रहा है आपको इसमें, भाई एसी है गाड़ी में, एसी है आपको इसमें देखने को मिल रहा है कुछ इस हिसाब से। हालांकि ये आपका कूलर का मतलब लाइन है, अभी गाड़ी में एसी मतलब इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, आप चाहो तो लगवा सकते हो। यहाँ में आपको 4 इंडिकेटर का बटन कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है, देख पा रहे हो। और ये रहा कुछ यहाँ में म्यूजिक सिस्टम आपको साथ में नहीं दिया जाता है, ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। यहाँ में आपको एक स्पेस मिल जाएगा, यहाँ में एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा 12 वोल्ट का। यहाँ में एक स्पेस मिलता है कुछ इस हिसाब से। ये रहा आपका 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर कुछ इस हिसाब से, इसका ऊपर का शेप डिज़ाइन कुछ इस हिसाब से आपको रबर में देखने को मिलता है। ये रहा आपका हैंड ब्रेक, और ये रहा भाई सीट, सीट आपको मतलब मिल जाएगा एक अच्छा खासा ही। ये रहा कुछ आपका हेडरेस्ट, आपको एडजस्टेबल नहीं है ये, फिटेड है इस, ये सब गाड़ियों में भाई एडजस्टेबल आता भी नहीं है। सनविजर आपको कुछ इस हिसाब से यहाँ में देखने को मिलेगा, रियर व्यू मिरर कुछ इस हिसाब से मिलता है। ये रहा यहाँ में आपको हेलोजन में एक छोटा सा बल्ब, और ये रहा ड्राइवर साइड का सनविजर। मीटर की बात की जाए तो गाड़ी का मीटर कुछ इस हिसाब से आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है, जो इको में अभी क्या समय में आता है 2023 में जब से निकला है इको, पूरा तरीके से आपको डिजिटली मीटर देखने को मिलता है। बीच में यहाँ में आपको सुजुकी का लोगो कुछ इस हिसाब से मिलेगा देखने को। इस साइड में आपको वाइपर का कंट्रोल, इस साइड में आपको इंडिकेटर हेडलाइट का कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ में ड्राइवर साइड में कुछ इस हिसाब से एसीवेंट देखने को मिलता है। ये रहा हेडलाइट का कंट्रोल यहाँ में, और इससे आप गाड़ी का बोनेट को ओपन कर सकते हो। ये रहा आपका तीनों पेडल यहाँ में कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको यही मिलता है, ड्राइवर साइड डोर में भी सेम आपको देखने को मिलता है। अभी चलते हैं गाड़ी का भाई मिडिल में, मिडिल में जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक एक चीज़, और एक चीज़ दिखाना मैं भूल ही गया भाई। गाड़ी का आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा, जो की देखने को मिलता है दोनों की कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है, देख पा रहे हो। जो मैनुअल की आपको देखने को मिलता है सिंपल सा सुजुकी का, इसमें कुछ इस हिसाब से लोगो देखने को मिलता है। और चलते हैं भाई गाड़ी का अभी पीछे, पीछे जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा हर एक चीज़ क्या कुछ सीन है गाड़ी में। तो चलते हैं भाई मिडिल में, पहले ही मिडिल में यहाँ में आपको देख पा रहे कुछ इस हिसाब से, इसमें आपको 3 बंदा का हिसाब से मिडिल का सीट आपको देखने को मिलता है। इसमें आप चाहो तो अलग से एक चीज़ फिर सीट फिटेड करवा सकते हो। और ये रहा कुछ आपका थर्ड रो देख पा रहे हो कुछ इस हिसाब से, एकदम पीछे का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। पीछे आपको 4 बंदे के लिए दिया गया है, और इसमें आपको 3 बैठा सकते हो, तो 3 4 मिला के नहीं 3 3 6, और सामने 1 7 7 सीटर आपका ये हुआ है गाड़ी के साथ जो इस हिसाब से आता है। आप चाहो तो इसमें आप अलग से और एक सीट लगा के 2 बच्चों के लिए जगह बना सकते हो। मिडिल में 5 बच्चा बैठ सकता है, और पीछे भी 5 बैठा सकते हो, छोटा छोटा बच्चा होने से आराम से बैठ पाएंगे। ये रहा गाड़ी का साथ का कुछ टोल रखा हुआ है यहाँ में मिडिल का, इसमें आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिल रहा है, देख पा रहे हो। ये विंडो आपका कुछ इस हिसाब से आपका डाउन होता है, मैनुअली आपको करना पड़ता है कुछ इस हिसाब से। ये रहा कुछ आपका अंदर से डोर को खोलने के लिए सिस्टम, यहाँ में आपको लॉक अनलॉक देखने को मिल रहा है। और ये रहा कुछ यहाँ का हैंडल, यहाँ में आपको मिडिल में भी एक देखने को मिल जाएगा हैलोजन में बल्ब। और चलते हैं भाई गाड़ी का एकदम पीछे, पीछे जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दरवाज़ा को थोड़ा खोल के रखा है मैं, इसीलिए गाड़ी का अंदर से थोड़ा सा इसका जो टेम्परेचर है बाहर गया है भाई, नहीं तो बैठना नहीं हो पा रहा था मुझसे। यहाँ में कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है पीछे का स्पेस, पीछे का सीट से, तो पीछे का सीट आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। यहाँ का लेग रूम कुछ इस हिसाब से आपको मिलेगा, ज़्यादा भाई हिल डुल नहीं सकते हो आप, जहाँ पैर फैला के रखोगे वहाँ पे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, देख पा रहे हो कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। ये रहा आपका पीछे का हैंडल पकड़ के बैठने के लिए,
और कुछ इस हिसाब से आपको पीछे से व्यू गाड़ी का देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं भाई गाड़ी का, यहाँ में बैठ सकते हैं पकड़ के, बच्चे भी बैठ सकते हैं और बड़ा लोग भी बैठ सकते हैं इसमें। तो ये रहा भाई कुछ पीछे से गाड़ी का नज़ारा, मैं आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश की हर एक चीज़। तो चलते हैं भाई गाड़ी का, अभी सामने जाकर मैं आपको थोड़ा सा मीटर कौन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। पीछे का हिस्सा मैं बंद कर लेता हूँ, कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा भाई गाड़ी का सारा कुछ। अंदर का डिटेल में मैं आपको दिखाने की कोशिश की, अभी चाबी को लगा के भाई मैं थोड़ा सा गाड़ी का आपको मीटर का लुक्स दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, देख पा रहे हो मीटर गाड़ी में एसी भाई चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, एसी नहीं हीटर है। और ये रहा कुछ आपका मीटर का कंट्रोल, ऊपर में आपको डिजिटली सब कुछ देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर, फ्यूल का और बाकी सारा कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। मीटर गाड़ी का वही सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा भाई, उतना बड़ा चढ़ा के कुछ दिखाने का है भी नहीं गाड़ी में, जितना है मैं उतना ही आपको दिखाया। चाबी बाहर क्यों नहीं निकल रहा है भाई, अभी निकला है। तो ये था दोस्तों इको का रिव्यू, मैं मेरी तरफ से जितना हो पाया आपको दिखाने की कोशिश की, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके भाई का साथ सपोर्ट दिखाइए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके भाई का साथ जुड़े रहिए। मैं इस चैनल में हमेशा रिव्यू ही डालता रहता हूँ हर एक कैटेगरी का गाड़ी, ऊपर से ऊपर भी रिव्यू करता हूँ और नीचे से नीचे भी रिव्यू करता हूँ, हर एक चीज़ मैं इस चैनल में दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दिल से।